है भास्कर। मेरा नाम हिमांशी शर्मा देवेरा है, मैं बैंगलोर से हूँ। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के मुख्य समाचार। बिहार के राजेंद्र पाठक पिछले 39 सालों से कराते आ रहे हैं बाल शिव भक्तों के माध्यम से जल अभिषेक। इस वर्ष भी हुआ आयोजन। भोजपुर जिले के शहर प्रखंड के आंधरी गांव के बाल शिव भक्तों ने गांव के सोम नदी से जल लेकर शिव मंदिरों में सामूहिक जल अभिषेक किया। आंधरी गांव बाल भक्तों की यह परंपरा पिछले 39 सालों से निभाई जा रही है। इस अवसर पर बाल कलाकारों द्वारा भगवान शिव सहित विविध देवी देवताओं के रूप में आकर्षक झांकी भी निकाली गई। लाडनू से प्राप्त समाचारों के अनुसार लाडनू निवासी श्री संपत राय भोजक की पौत्री एवं श्री लक्ष्मीपति भोजक की सुपुत्री डॉक्टर कृतिका भोजक ने कोटा मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद 3 मार्च 2024 को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इंटर्नशिप पूर्ण कर परिवार एवं समाज को गौरव बढ़ाया। इसके लिए डॉक्टर कृतिका को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। बालाघाट से प्राप्त समाचारों के अनुसार माँ वैनगंगा की पावन धारा पर सतपुड़ी पहाड़ी की हरियाली के बीच बालाघाट शहर के रुद्र हर्ष में माँ सिद्धेश्वरी का भव्य मंदिर है। मंदिर का निर्माण ठाकुर सिटिया समाज के गौरव एवं समाज सेवी श्री देवरचंद शर्मा ने 1997 में करवाया था। उनके स्वर्गवास के बाद उनके पुत्रों एवं उनके परिवार द्वारा इस मंदिर की देखरेख की जाती। कुछ साल पहले मंदिर में 8 मूर्तियों की स्थापना भी की गई, जिनमें भगवान श्री गणेश, श्री राम दरबार, श्री राधा कृष्ण, श्री गायत्री माता, श्री सरस्वती माता, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री अन्नपूर्णा एवं श्री सूर्य नारायण भगवान की स्थापना की गई। दोनों नवरात्रि में यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर में माँ का जोंगा स्वर्गीय श्री देवरचंद शर्मा के परिवार के सदस्यों से ही किया जाता है। इस सुप्रसिद्ध मंदिर को शर्मा परिवार द्वारा सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित किया गया है। आज पूरे देश में हमारे शास्त्रीय ब्राह्मण समाज के गौरव संत शिरोमणि बाल ब्रह्मचारी परम पूजनीय श्री माधवदास जी महाराज की 11वीं पुण्यतिथि बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। राजस्थान मुंबई एवं बैंगलोर के जेपी नगर स्थित सूर्य मंदिर में भी संत माधवदास महाराज की पुण्यतिथि धूमधाम से मनाए जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको अगले सप्ताह दी जाएगी। श्री हितिका शर्मा ने विश्वविद्यालय वादविवाद सचिव पॉनर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। शासक द्वितीय व ब्राह्मण समाज की श्री हितिका शर्मा को पुत्री श्री यशवंती शर्मा एवं सुपौत्री श्री भगवत जी शर्मा सांकरोली राज संबंध राजस्थान ने 300 विश्वविद्यालय और 700 प्रतिभागियों में से ऑल इंडिया विश्वविद्यालय वादविवाद प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त कर समाज का गौरव हुआ। आपको और आपके सभी परिवार वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रह्मलिंग संत माधवदास महाराज की 11वीं पुण्यतिथि पर हुआ भक्तिमय गीत का लाइव प्रसारण। बैंगलोर शाकल तृतीय मग ब्राह्मण समाज के गौरव बाल ब्रह्मचारी जन जन के आराध्य ब्रह्मलिंग संत माधवदास महाराज जी की 11वीं पुण्यतिथि पर 10 मार्च को शाकल तृतीय मग ब्राह्मण समाज के नवनिर्मित भगवान सूर्य नारायण मंदिर पर समाज के मुख्य कारावाह श्री सुनील शर्मा जी द्वारा भव्य भक्तिमय सुंदर कांड पाठ का आयोजन हुआ। इस पावन दिवस पर संत श्री साधवदास जी महाराज पर भामाशाह श्री सुनील शर्मा जी द्वारा तैयार करवाया गया एक सुंदर भक्तिमय गीत का पहली बार प्रसारण कर महाराज श्री के श्री चरणों में समर्पित किया गया। गीत के बोल एवं संगीत इतने सुंदर है कि भक्तों एवं श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। और अब समाचार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में होने वाली मगपुल की गतिविधियों की। सबसे पहले हम बात करें तो रोटी बैंक जो रांची में विजय पाठक जी चलाते हैं, उनका एक कार्यक्रम 1 मार्च को रिम्स में किया गया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में गरीबों को भोजन कराया गया
और रोटी बैंक की आए उपस्थित लोगों ने काफी सराहना की। रोटी बैंक आगे भी काम करेगा। एक बड़ी गतिविधि दिल्ली में हो रही है और दिल्ली में 17 मार्च को समाज के लोगों का होली मिलन कार्यक्रम है, स्मारिका का विमोचन है। पिछले सप्ताह भी हमने इस गतिविधि को जाना था और 17 तक लगातार लोगों से भास्कर की ओर से, जो दिल्ली में स्थित संस्था है मग समाज की, वहां से अपील की जा रही है कि लोग दिल्ली में जुटें, कार्यक्रम स्थल में आएं और सामूहिक होली मिलन करें। तीसरी आयोजन वाराणसी में होने वाली है मग धर्म संसद की ओर से। यहां से भी लगातार अपील की जा रही है कि उनके परंपरागत कार्यक्रम में लोग काशी आएं और मग पुल पर होने वाली चर्चा और विविध जो उनके कार्यक्रम हैं, लोगों के व्याख्यान हैं, उनको सुने। चौथा समागम है भोजपुर जिले के मुख्यालय आरा में, जहां भास्कर समिति की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह किया जा रहा है। और जो हमारे समाज के भोजपुर जिले के खास करके जो लड़के अच्छे प्राप्तांक लाए हैं विभिन्न शैक्षणिक सत्रों के लिए, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही एक जुटान भी होगा, लोग मिलेंगे, आपस चर्चा करेंगे, वक्तागण लोगों को बोलेंगे, एक दूसरे से मिलना भी होगा। साथ ही आध्यात्मिक कार्यक्रम भी एक होना है और यह कार्यक्रम भोजपुर जिले के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय ब्रह्मचारी जी द्वारा स्थापित एक संस्था अध्यात्म चिंतन मंडल की ओर से होना है। तो यह कार्यक्रम भी एक भोजपुर जिले में हो रहा है, जिसमें मगपुल की प्रधानता है, मगपुल के उद्देश्यों की उसमें एक तरह से पूर्ति हो रही है। और वर्ष के भांति इस वर्ष भी अध्यात्म चिंतन मंडल का वार्षिक उत्सव कुशियर ग्राम के धराधाम पर 11 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित है। आप सभी अवगत हैं कि माननीय ब्रह्मचारी जी महाराज अधारीवासी ने इस अध्यात्म चिंतन मंडल का निर्माण किया था और अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत प्रयास किया, इसकी उन्नति भी हुई। तो भोजपुर जिले में दो दो कार्यक्रम जो हैं अपने समाज से जुड़े हुए हैं। औरंगाबाद में भी मग परिषद की ओर से स्वजातीय स्तर पर प्रकाशित विद्वत मंडली की ओर से व्रत पर्व निर्णय के विमोचन का एक समारोह 10 तारीख को आयोजित हो रहा है। इसमें भी औरंगाबाद जिले और बाहर से आए हुए लोगों की जुटान होगी और स्वजातीय विषयों और संगठनों पर चर्चा होगी। कोलकाता से प्रकाशित सार्वभौम भास्कर पंचांग पूरे इलाके में, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के इलाके में जहाँ जहाँ भी गया है वहाँ वितरण किया जा रहा है। लगातार लोग इसे ले रहे हैं और काफ़ी प्रसन्नता और संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। ये दृश्य जो है भोजपुर जिले के अंधारी गांव का है, जहां अपने स्वजातीय लोगों के बीच यह वितरण किया गया। इसी तरह से कई जगहों से लोगों ने, जिन जिन के हाथों में यह पंचांग आया है, सभी लोगों ने इसे पाया है और बड़ी ही खुशियां जताई हैं। तो इन कार्यक्रमों के अलावा भी बिहार झारखंड में कई चीज़ें चल रही हैं। हाल ही में एक जागरूकता की गई है दिल्ली में भास्कर संस्था के अध्यक्ष प्रणव मिश्रा की ओर से। उन्होंने बताया है कि जो समाज के एक सीनियर IPS अफसर है दीपेंद्र पाठक, उनके नाम से एक फेसबुक का गलत अकाउंट खोलकर लोगों को भरमाने की कोशिश हो रही है। लोग इससे बचें। हम भी अपील करते हैं कि कोई भी व्यक्ति का अपने समाज के अंदर प्रोफाइल खोल करके कोई भी ऐसा कर रहा हो तो यह गलत है और इससे बचना चाहिए। हमारे समाज के लेखकों की ओर से, जो बिहार में और झारखंड के हैं खास करके, लगातार सक्रिय हैं। उनकी पत्र पत्रिकाएं आई हुई हैं, वे अपने निरंतर आलेखों में लगे हुए हैं, जिसमें श्री कमलेश पुण्यार गुरु हैं, डॉक्टर विजय प्रकाश शर्मा हैं, साथ ही भोजपुर जिले के श्री जयनाथ पांडे जी हैं। और इसके अलावा भी कई ऐसे साहित्यकार हैं जो अपनी रचनाओं को आने वाले दिनों में प्रस्तुत करने वाले हैं, पुस्तक लेखन कर रहे हैं। तो फिर आगे भी हम इनकी चर्चा करेंगे। इसी तरह समाज के अंदर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर वैवाहिकी को लेकर के भी काफ़ी चर्चा है कि लोग वैवाहिक व्यवहार कैसे करें, एक दूसरे के यहाँ जाएं तो क्या करें, फिर जो विवाह में होने वाली तकलीफें हैं उसको कैसे दूर की जाएं। तो कुल मिलाकर के बिहार झारखंड में जो ये जारी सप्ताह है और जो पिछला सप्ताह है, कई अपनी सामाजिक गतिविधियों की ओर लोग उन्मुख हैं
और निरंतर सोच विचार चल रहा है। तो आने वाले सप्ताह में हम नए अंक के साथ आएंगे और फिर बताएंगे कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मग फूल के लोग कर क्या क्या रहे हैं। मैं हिमांशी शर्मा, जय भास्कर समाचार से। कृपया कर इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगले सप्ताह रविवार को इसी समय पर।